सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की व्यवस्थाओं में चर्चाएं होती है, चर्चाओं के साथ राजनीति होती है, बयानबाजी होती है, व्यवस्थाएं चलती हैं, रणनीति बनती है और जुमलेबाजी भी होती है। भाई क्या कहें, जनता जनार्दन को अगर अपने पाले में करना है तो साम दाम दंड भेद सब जरूरी है राजनीति में। वो व्यवस्था जो हमको सत्ता की कुर्सी तक लेकर जाती है, उस व्यवस्था को पाने के लिए कितनी रणनीति और कितनी मेहनत होती है ये सभी जानते हैं। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और अगर इस लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था नहीं रहेगी तो फिर विश्व का लोकतंत्र कैसे कहलाएगा सबसे बड़ा। पर इन व्यवस्थाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बयानबाजी करते हैं, हम पिछड़ा वर्ग, हम ओबीसी, दलित वर्ग, सवर्णों की बात करते हैं, हम जनता के तमाम मुद्दों की चर्चा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर फिलहाल जनता के मुद्दों को याद नहीं करते हैं। कारण कि अब शायद जनता के मुद्दों पर कोई राजनीति करना नहीं चाहता। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो आजकल रणनीति चल रही है, वो धार्मिक बयानबाजी चल रही है। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य तो कभी बिहार के सहकारिता मंत्री चंद्रशेखर, खैर बयान आते रहते हैं, पर इन बयानों का जो रूप है वो केवल भारतीय राजनीति को चमकाने का है, अपने आप को चर्चा में लाने का है। जनता जनार्दन की फिक्र फिलहाल किसी को नजर नहीं आती। मामले कई है और हम जैसे खबर अनबीसों की जिम्मेदारी है कि जब जब राजनीतिक पार्टियां अपने मुद्दों से भड़क कर जनता के मुद्दों की अनदेखी करेंगी, तब तक हम उस मामले को गहनता से उठाएंगे और उन दलों को याद दिलाएंगे कि जो जनता जनार्दन आपको वोट करती है उसके लिए बात करना, उसके लिए चर्चा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। केवल वोट वर्ग को, केवल वोट बैंक को, केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और किसी वर्ग विशेष को अपने पाले में लाने के लिए यहाँ पर राजनीति नहीं कर सकते। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल चर्चाएं बहुत होती हैं, आवास, सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इस पर बात करना हर आदमी नहीं चाहता। कारण क्या है कि इस पर बात करने से केवल और केवल उनको लगता है कि चर्चाएं जरूरी नहीं है। भाई जनता जनार्दन है, वोट तो देगी ही क्योंकि वोटर बने हुए हैं, और किसी एक ना एक की सरकार तो बनानी ही पड़ेगी क्योंकि नोटा की व्यवस्था अभी फिलहाल इतनी काबिज नहीं हो पाई है कि किसी की सरकार को पलट दे। हाँ, अपने मन की कुंठा या अपने मन के गुस्से को निकालने के लिए ये व्यवस्था फिलहाल जरूर चलती नजर आ रही है, पर किसी सत्ताधारी पार्टी को उस आसन से उतार देना फिलहाल इस व्यवस्था में अभी तक इतना ज्यादा जागरूकता के हिसाब से संघर्ष नहीं हो पाया है। खैर, यहां पर केवल बात ज्ञापन की नहीं कर रहा हूं, यहां केवल बात संघर्ष की नहीं कर रहा हूं, यहां बात मैं कर रहा हूं कि जो चर्चाएं हैं, चाहे वो रामचरण मानस पर हो, चाहे ज्ञान वापी पर हो, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह पर हो, चाहे हनुमान जयंती पर हो, चाहे हनुमान चालीसा पर हो, चाहे लुलू मॉल में नमाज पर हो, पर जनता के मुद्दों की चर्चा यहां नहीं होनी चाहती। मुद्दे जिस तरह से लगातार स्कूल में फीस माफ की जो है बढ़ोतरी हो रही है, एनसीईआरटी किताबों को छोड़ दे तो आईसीएसई सीबीएसई किताबें लगातार महंगी होती चली जा रही है, कोई इस पर सुनवाई करना नहीं चाहता। इसके अलावा अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं, कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आंकड़े बता रहे हैं और आंकड़ों के साथ यहां पर जो व्यवस्था है अलर्ट बता रहा है, कहीं ना कहीं ये व्यवस्था फिलहाल यहां पर कमजोर होती नजर आ रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गरीबी, नौकरी के ये प्रयास, परीक्षाओं की भर्ती, परीक्षाओं का लीक होना, उसके बाद उस मामले का कोर्ट में जाना और लगातार अभ्यर्थियों का संघर्ष करना, ये स्पष्ट करता है कि हम चर्चाएं तो बहुत करते हैं पर जाए चर्चाएं नहीं हो पाती है, जाए संघर्ष नहीं हो पाता है। और अगर संघर्ष जनता के लिए, क्योंकि अभ्यर्थी भी जनता के ही नुमाइंदे हैं, अभ्यर्थी जनता से अलग नहीं है, पर उस जनता के लिए यहाँ पर बात करना चाहता कौन है? और जब मजबूर होते हैं अभ्यर्थी तब वो घेराव भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, गिरफ्तारी भी करते हैं, पर शायद हमारे न सत्ता पक्ष पर नाक पर जू रेंगती है और न विपक्ष पर। अब आप कहेंगे अगर सत्ता पक्ष की बात है तो विपक्ष की बात क्यों, विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अगर ज्यादा सीटें देकर यहाँ पर जनता किसी पार्टी को सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है तो
आपको भी सीट देकर विपक्ष की कुर्सी का आपको लायक बनाती है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर सत्ता पक्ष किसी मामले की अनदेखी कर रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका भी कर्तव्य है कि आपको भी इसके लिए संघर्ष करना चाहिए और जनता के लिए उतरना चाहिए। पर मामला क्या है फिलहाल हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चर्चाएं केवल अलग अलग मुद्दों पर होती है, स्वयं प्रसाद मौर्य पर होती है, सामाजिक न्याय सप्ताह पर होती है, देश बचाओ देश बढ़ाओ यात्रा पर होती है। यहाँ यात्राएं तो बहुत होती है पर शायद जनता के मुद्दों की कोई यात्रा हो जाए तो शायद कुछ परिदृश्य तस्वीर बदल सकती है। कारण क्या है, चर्चा कोई नहीं करना चाहता है, पर जब चर्चा नहीं होगी, जब राजनीतिक दल इन बातों को नहीं उठाएंगे तो हम जैसे खबरन बीस इन बातों को जरूर उठाएंगे और ये बीड़ा हमने उठाया हुआ जरूर इसको उठाते नजर आएंगे। चर्चा महत्वपूर्ण है, मेहमान जुड़ चुके हैं, रूबरू करा दूं, विवेक श्रीवास्तव भाजपा अपना पक्ष रखेंगे, नेता सभा से विवेक पांडे भाई अपनी बात रखेंगे, समाज सेवी के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी विवेक शर्मा अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आमिर साबरी अपनी बात रखेंगे और विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर दिलीप यादव अपनी राय देंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा विवेक श्रीवास्तव से रहेगा, विवेक भाई मुद्दे बहुत हैं, धार्मिक मुद्दे बहुत हैं, ओबीसी वर्ग को पाले में लाने के मुद्दे बहुत हैं, तमाम तरह के सप्ताह तमाम तरह के अभियान तमाम तरह के सम्मेलन होते रहते हैं पर जनता की बात नहीं होती। कारण कि हमारे देश के नेताओं को अब शायद इतनी जरूरत नहीं है कि जनता के मुद्दों की बात कर पाए। स्वास्थ्य शिक्षा तमाम मुद्दे हैं, उन पर बातचीत तो होती है डिबेट भी होती है पर होता कुछ नहीं है। सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने बेहतर कर रहे हैं और सरकार का कहना है कि हम बेहतर की तरफ जा रहे हैं। सरकार बेहतर कर रही है इसको मान लेते हैं तो जो अधिकारी हैं वो सरकार की मनसा पर पलीता लगाते रहे और तमाम ऐसे अभियान हैं तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अगर हम बात करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि अब बातें कितनी भी कर लें पर अभी भी स्थिति में बहुत कुछ सुधार बाकी है। कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी जी, जिन हालातों में प्रदेश था वो प्रदेश की व्यवस्थाएं थी, अच्छा उन हालातों से हम आगे निकल करके अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं जी। चाहे जो क्षेत्र हो उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे कानून व्यवस्था पे हो जी, चाहे किसानों की स्थिति सुधारने की बात हो, अच्छा चाहे गन्ना के बकाये की बात हो जी, चाहे नए एयरपोर्ट बनने की बात हो जी, चाहे नए एक्सप्रेसवे बनने की बात हो जी, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता जी कि जनता की सारी समस्याओं का हमने समाधान कर दिया, अच्छा लेकिन ये सत्य है जी कि हम अच्छे मन से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जी जनता को केंद्र की राज्य की योजनाओं का लाभ कैसे सुगमता से मिले जी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं जी। हमारी सरकार से पूर्व आए दिन भूख से मरने की खबरें आती थी जी, हमने इसमें जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के बाद कोविड काल में भी किसी को भूख से मरने नहीं दिया जी, सबके घर में चूल्हे जल सके ये हमारी सरकार ने चिंता की जी, और लोक कल्याणकारी सरकार यही अवधारणा होती है, अच्छा कि राज्य में कोई भूखा न सोए जी, गरीब का घर पक्का कैसे हो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उल्लेखनीय रिकॉर्ड बनाए हैं, अच्छा रिकॉर्ड मात्रा में गरीबों को छत मुहैया कराई गई चाहे वो शहरी ग्राहक हो, अच्छा चाहे ग्रामीण इलाके में हो, ठीक है शौचालय, अच्छा जो एक समस्या थी जी महिलाएं रात बिरात दिन बाहर जाती थी, शौचालय की बात है, समझ गया, तमाम दुर्घटनाओं शौचालय आ गया, ठीक है गिराते रहिए जी, बता रहा हूँ तमाम दुर्घटनाओं मेरे पास भी लिस्ट, समाज पूरी लिस्ट जी, बिल्कुल बिल्कुल होगा जी। आयुष्मान योजना जी, गरीब का कैसे इलाज हो सके, एप्रिसिएशन करता हूँ, समर्थन करता हूँ आपकी तमाम योजनाओं का, शौचालय आवास जी बिल्कुल समर्थन करता हूँ, उन योजनाओं का लाभ कैसे गरीब तक पहुँचे जी,
समाज के अंतिम पायदान पे खड़े आदमी तक उस योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसकी चिंता हमारी सरकार में हुई। और बिना एक नए पैसे के दलाली या कह लीजिए कट मनी के बजाय बाद सीधे उनको उस योजना का लाभ दिलाने की चेष्टा हमारी सरकारों ने किया और मिल रहा है। चलिए, ये एक उल्लेखनीय है। हाँ, इस दौरान महंगाई भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। नहीं, बहुत मुद्दे हैं, दो ही मुद्दे नहीं, बता रहा हूँ। महंगाई भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। डीजल पेट्रोल महंगाई में एक मूल चीज है। कोई भी राज्य सरकार डीजल पेट्रोल को स्टेट वैट हटाना नहीं चाहती। बेरोजगारी किसी एक सरकार की देन नहीं है। अच्छा, जनता की देन है, जनता जनसंख्या बढ़ा रही है, बोल दीजिए, जनसंख्या बढ़ा रही है, बिल्कुल जनता की देन है, जनता की देन है, मैं तो कह रहा हूँ जनता की देन है। मेरी बात सुन लीजिए, सब अपने हमारे मुंह में ना डालें। बोले बोले, जनसंख्या वृद्धि भी इसमें एक कारक है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने देशी नहीं बल्कि विदेशी निवेश लाकर के उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने के रास्ते पे कदम बढ़ाया है। जी भैया। और इस बेरोजगारी दूर करने के तरफ समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही उल्लेखनीय कदम बढ़ाया है। ठीक है। इसका परिणाम आपको आज भले ना दिखे, आने वाले वक्त में आपको इसका परिणाम दिखाई। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय कदम बढ़ाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिकॉर्ड मात्रा में मेडिकल कॉलेज खोले गए, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है। जी। एक डॉक्टर गौरव जी तब पूरा होता है जब उसके साथ 10 पैरा मेडिकल स्टाफ कम्प्लीट होते हैं। और अपने 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 समय पर अपने टाइम पर सबको मौका मिलेगा। चलिए, बोलिए जी, अपनी बात पूरी करिए। बोलिए, देखिए जी, डॉक्टरों की भर्ती होना, कॉलेज खुल जाना जी, फिर धीरे धीरे उनकी बिल्डिंगें बनना जी, ये सारी चीजें प्रक्रियागत होती है। अच्छा, इस हम पे काम चल रहा है जी। मुझे उम्मीद है कि जब तक अंतिम बैच निकलने तक उनकी सारी ठीक सुविधाएं पूरी हो जाएंगी, फैकल्टी कंप्लीट हो जाएगी, बिल्डिंगें बन जाएंगी, अपने किराए या अपने जो भी बिल्डिंगों में चल रहे होंगे संस्थान अपने मूल बिल्डिंगों में पहुंच जाएंगे। और इतने जब डॉक्टर बन करके निकलेंगे, इनके साथ 10 पैरा मेडिकल स्टाफ होंगे, तो उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं में उल्लेखनीय प्रगति होगी। ठीक है, हमें ये भी आशा है। चल ठीक है, अब मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ पूछ लेता हूं। बेबी भाई, सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार बेहतर काम करिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। ठीक जी। पर जब सरकार कहती है गड्ढा मुक्ति अभियान, भरा नहीं जाते हैं, गड्ढे बने रहते हैं, अधिकारी सरकार की मंशा पर पलित लगा रही है। मैं यहाँ मुख्यमंत्री की योजनाओं पर उनकी कार्यों पर समीक्षा नहीं कर रहा हूँ, बेहतर काम है, बेहतर काम किया तभी दोबारा सरकार बनी, एप्रिसिएशन है, समर्थन है पूरी तरह से। पर गड्ढा मुक्ति अभियान की बात करें, लाइट की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, कोरोना के 5,335 मामले आ चुके हैं प्रदेश में, क्या आपको लगता है कोरोना के लिए तैयारी करनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता इसके लिए आप तैयारी कर लेनी चाहिए? जब तक खोलेंगे, जब तक खुलते रहेंगे वो अलग बात है बेबी भाई, पर अगर जो त्रासदी उस समय आई थी, महामारी आई थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने टीम 9 बैठक की, योजना बनाई, नीति बनाई, उसके साथ लगातार अपनी टीम 9 के साथ काम करते रहे, बहुत प्रयास किया रोकने का और सख्त शामिल भी हुए, सफल भी हुए और वैश्विक मंच पर प्रशंसा भी हुई, पर क्या उसके बाद अभी जिम्मेदारी नहीं है कि जनता ने दोबारा मौका दिया है और फिर अगर ये महामारी आ रही है नए रूप में तो उसकी तैयारी करनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि तमाम तरह की भर्तियां रुकी हुई हैं, जो अभ्यर्थी रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति की जाए, नियुक्ति रुकी हुई है, वो ओवर एज हो जा रहे हैं, क्या उनके लिए चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या वो जनता से अलग है या तो जनता के ही लोग, उस पर भी काम होना चाहिए? तो बेबे भाई, यहाँ पर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मेरा कहना यह है कि मुद्दों के बीच हम सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएं या हम कोई अभियान चलाएं, हम महापुरुष की जयंती मनाएं और हम कोई भी चर्चा करें, पर कम से कम इस बीच में हम अपनी जनता को भी तो याद रखें, जिस जनता के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, है तो जनता ही, और जब जनता ही यहाँ पर लाभ में नहीं रहेगी, परेशान रहेगी, पीड़ित रहेगी, तो यहाँ पर हमारी व्यवस्थाओं की और हमारे कार्यों का क्या लेना देना
उसके लिए यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको हो गया, अब मैं विवेक पांडे को लेता हूँ। विवेक कुछ कहना चाहेंगे? विवेक श्रीवास्तव, अगले टर्न पे बात करूँ। विवेक श्रीवास्तव, विवेक कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कोरोना का जो विषय आपने उठाया जी, उस पर अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जी उच्च स्तरीय बैठक की थी जी, और पूरे देश की स्थिति की समीक्षा की थी कोरोना को लेकर। अच्छा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दिशा में प्रदेश सरकारें भी अपने अपने तरीके से काम में जुट जाएंगे जी। और इस दिशा में अब की कुछ जो नौबतें पिछले कार्यकाल में आई थी जी, उस हिसाब से अपने अपने आप को प्रदेश सरकारें तैयार रखेंगी जी, वो भयावह दृश्य दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, निखिल सपा, विवेक पांडे भाई, आप लोग इस वक्त खूब दमकर राजनीति कर रहे हैं, काबिले तारीफ। जैसा बीजेपी कर रही है बिल्कुल दो दो हार करने तैयार है, और तमाम वर्गों को आप भी यहाँ पर अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अलग नहीं है, अगर सत्ता पक्ष भी मेहनत कर रही है तो यहाँ भी आपकी मेहनत लगातार जारी है, और आपके बड़े बड़े नेता भी तमाम तरह के बयानबाजी से, जो धार्मिक बयानबाजी है, जो धार्मिक राजनीति है, उसको गरमाए हुए हैं। जनता को आप भी भूल चुके हैं, संघर्ष नजर नहीं आता, न जनता के मुद्दों की बात नजर आती है। और अगर जनता के मुद्दों की बात ही नहीं करेंगे तो विपक्ष में बैठने का फायदा क्या है? कि जनता ने यहाँ पर 2022 में आपको ऐतिहासिक जनाधार दिया है विपक्ष में पहुंचने के लिए। सरकार भरी आपकी नहीं बनी, पर यहाँ पर आपको मजबूत विपक्ष की भूमिका में सरकार जनता ने बैठाया है, निर्वाह करना पड़ेगा, उस कर्तव्य को कैसे निभाएंगे? गौरव भाई, पूरे मंच को पहले तो बहुत धन्यवाद देते हुए प्रणाम करता हूँ, अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करूंगा जी। देखिए, अगर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा होता ना, तो आज हिटलर शाही, मुसोलिनी का जो एक कार्यकाल था, अच्छा, नाजीवाद, सामंतवाद, अच्छा, ये कहीं ना कहीं अस्तित्व में आ चुका होता। अच्छा, देश में सामंतवाद की जो मानसिकता भाजपा स्थापित करना चाहती है, जिसको कि प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल आपको याद होगा, जब जमींदारों से जमीन खींच करके आम लोगों को दी गई थी, आज भाजपा एकदम उसी परिपाटी के विपरीत चलते हुए आम आदमी से सब कुछ छीन करके जमींदारों को देने की कवायद में लगी। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे मुद्दों की बात हुई, अगर विपक्ष किसी भी कार्यकाल में अपनी सक्रिय भूमिका में नहीं होता तो विपक्ष की बात ही क्यों होती है भाई? जिस तरह से विपक्ष को, अब वो तो हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है भाई, आपको विपक्ष बनाया तो बात तो करनी पड़ेगी। जी, करनी पड़ेगी। मैं उसी व्यवस्था पे आ रहा हूँ। कुछ दिन पहले से आप सुन रहे होंगे भाजपा के नेताओं के बराबर बयान थे विपक्ष को समाप्त करने की बात। अच्छा, विपक्ष को समाप्त कर दिया जाएगा, एक पार्टी रहेगी देश में। अच्छा, तो भाई लोकतंत्र क्या है पहले तो ये इनको सीखना चाहिए। ठीक है, संविधान से चलता है देश, मनमानियों से नहीं चलता, राजनीतिक मनमानियों से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, आज जो शोषण, जो भ्रष्टाचार कागजों में छिपाए जा रहे हैं, यही लोकतंत्र है जो कल को इन्हीं कागजों को जिंदा करने की ताकत भी वापस देगा। अच्छा भाई, सत्ताएं कभी स्थायी तो रहती नहीं, ये तो चिरकाल इतिहास का वेग है। अब आते हैं मौजूदा वर्तमान स्थिति पे, जो बात भ्रष्टाचार या बात मुद्दों की है, जनता की, जनता के मुद्दों की बात जब आएगी तो हर मुद्दे पे बात होगी भाई। उत्तर प्रदेश के 27 करोड़ के आसपास अगर जनसंख्या हमारी है तो हर एक व्यक्ति से लेकर के 27 करोड़ तक की बात होगी, कोई इसमें छूटेगा तो है नहीं। डिबेट में जो वर्तमान में सरकार ने जी 69,000 शिक्षक भर्ती में हक मारा, अच्छा, क्या वो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं थी जी? योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का हक मारा जाता है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2-4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती आते ही सरकार के रद्द कर दी जाती है और मदरसों के आधुनिकीकरण की बात होती है, बड़ा हास्यप्रद लगता है सुनकर के। तो सर्वे हो रहा है, आपको दिक्कत है क्या? सर्वे करिए ना, जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो खाली दीवारों के सर्वे कर लीजिए, जाके पढ़ाएगा कौन? अच्छा, योग्य शिक्षक आप देना नहीं चाहते। अच्छा, और सबसे बड़ी बात अभी क्या बात आई थी, यूपीएसआई स्कैम। अच्छा, यूपीएसआई के 9,534 स्कैम के मामले पे 2021 के ये सरकार लगातार मौन, यहाँ तक कि ये सरकार 4 कदम आगे बढ़ के सदन में झूठ परोस देती है। खन्ना जी कहते हैं कि इससे संबंधित सारी डिटेल लगभग खारिज है। अच्छा, तो आपके विधि सचिव क्या कर रहे हैं, आपके प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी जानते हैं जितना बताएंगे उतना ही ये बोलेंगे जी। अब उसका एक और उदाहरण, अधिकारियों का किस तरह से वर्चस्व कायम है इस सरकार पे, योगी आदित्यनाथ के ऊपर, वो भी उजागर कर देता हूँ। कानपुर का एक प्रकरण है, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 इनका सबसे प्रभावी एजेंडा जो देश को दिखाने के लिए, अभी शौचालय की बात कर रहे थे ना, ऐसे SLW योजना में 21-22 में जनपद के सभी ब्लॉकों से लगभग 142 ग्राम प्रधानों के डोंगल से करोड़ों की धनराशि निकाली गई है। इसमें विकास विभाग के उच्च अधिकारी DPRO सहित स्वच्छता मिशन के DC ने प्रधानों को गुमराह करके करोड़ों रुपए निकाल लिए। ठीक,
ये तो इनकी स्वच्छ भारत योजना, अब इनकी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना, भ्रष्टाचार कैसे हो रहा देखिए, 40,000 की पहली किस्त में प्रधान ने 20,000 रुपए वसूल लिए लाभार्थी से, अपात्रों से भी 20,000 लेकर के आवंटित किए गए हैं आवास, और महिला अपात्र बनवा रही है सरकारी भूमि पर आवास। शाहाबाद के मगियावा ग्राम पंचायत हरदोई का मामला है। तो मुझे लगता है ये तो मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया, 75 जिले हैं, कोई बात नहीं, अभी इनका प्रचंड अहंकार सर पे चढ़ के बोल रहा है। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं फिर से, ये मुद्दा नहीं देगा भाई, योगी सरकार इतनी बढ़िया व्यवस्था चला रही है कि इनके अधिकारी पुलिस के 3 साल की बच्ची के रेप का सौदा करते हैं, 20 लाख की घूस मांगते हैं, और उस पर कार्रवाई कब होती है, जब पूरी किरकिरी फजीहत सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से हो जाती है। विपक्ष जब इस मुद्दे को उठाता है, लगातार मैंने भी इस मुद्दे को आप ही के मन से उठाया कई बार जी भाई, आपको वो भी याद होगा जब ये योगी सरकार इतनी बढ़िया सरकार है कि लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले पत्रकारों पे सवाल पूछने पे इनके मंत्री उनको जेल भेजने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं। वो तो भला हो, न्यायपालिका का धन्यवाद देता हूं मैं कि न्याय का मंदिर अगर न्यायपालिका नहीं होती तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा पत्रकार उत्तर प्रदेश के जेल में दिखाई दे रहे होते। अच्छा, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदल दिए, और हमारे यहाँ बात किसकी हो रही थी, रामनवमी पे जुलूस में दंगे। अच्छा, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कमजोर किए जा रहे हैं इस सरकार के माध्यम से, और सरकार मौन है लगातार, कहती है कभी कहती है कि चीन ने घुसपैठ नहीं की, लेकिन रक्षा मंत्री इतने जमीनी नेता है कि एक बार उन्होंने वक्तव्य दे दिया था कि घुसपैठ हुई है। तो भाई कहां कमी है, पहले तो सरकार व्यवस्था देख ले अपनी। अच्छा, कि आपस में तालमेल क्यों नहीं है, संतुलन क्यों नहीं है। गुजरात मॉडल की बात होती है इस सरकार में, सुन लीजिए अब बात आ जाए भाई, गुजरात मॉडल की बात होती है इस सरकार में, गुजरात मॉडल को प्रस्तुत किया जाता है। इस देश के सबसे ज्यादा भगौड़े जो है वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, जरा उनका भी आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। अच्छा, मुझे लगता है 20 से अधिक तो गुजरात से। पूरा आपने विवेक भाई पूरा दे दिया। आप सुनिए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ये उसको वाहवाही बताते हैं। ये बताना भूल जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो 80 करोड़ के आंकड़े में, ये वो गरीब लोग हैं, आश्रय लोग हैं, जो कि सरकार पे निर्भर है 5 किलो राशन के लिए, जिसके लिए उनको 1100-1200 रुपए का सिलेंडर लेना पड़ता है ताकि वो 5 किलो राशन पका सके। ये सरकार की उपलब्धियां हैं। अच्छा, अगर ये सरकार की उपलब्धियां हैं तो मुझे लगता है विपक्ष ही इन आवाज मुद्दों को उठा रहा है लगातार। आज मैं तो मरीज बता दें, आप अपनी पुरानी डिबेट खुद ही चला के देख लीजिए, समीक्षा तो आप ही को करनी है, आप तो मीडिया है भाई, आप तो मीडिया है, बिल्कुल मीडिया, हम आवाज नहीं उठा रहे होते तो ये मुद्दे क्या मैं पढ़ के आया हूं, संघर्ष पर आ रहा है क्या, मुझे पढ़ के आया हूं, पढ़ के थोड़ी ना आया बेबी पांडे जी। पर मेरा कहना है कि आप अच्छी बातें बोल रहे हैं, आपने तमाम बातें कही, मैं सहमत हूं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है जो विपक्ष का संघर्ष है वो धरातल पे कब होता है, बना गिरा दीजिए। देखिए, विपक्ष का अगर संघर्ष नहीं होता ना, मैं फिर कह रहा हूँ, गिरा दीजिए ना, ये हिटलर शाही जमीन पे आपको दिखाई देती है, गिरा दीजिए संघर्ष, गिरा दीजिए। मैं कह रहा हूँ, आज आपका पत्रकार अगर छूटता है तो उसके पीछे न्यायपालिका है, और न्यायपालिका के साथ विपक्ष की आवाज है जो बुलंद करती है इस लोकतंत्र की मजबूती को। अगर इस देश के इतिहास में भाजपा के ऊपर बैन, भाजपा सॉरी माफ कीजिएगा, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ, अगर इस देश के इतिहास में आरएसएस पे बैन लगा दिया होता ना, क्योंकि जिन पटेल की आदर्शवादी पटेल जी की बात करते हैं उन्होंने ही कभी इसका विरोध भी किया था जी। लेकिन अगर उस दिन वो हस्ताक्षर होते तो मुझे लगता है आज कहानी कुछ और। आपने पूरी बात कर ली विवेक पांडे, पर आपने विपक्ष की भूमिका नहीं बता पाया। विपक्ष की भूमिका सामने है, विपक्ष के सामने क्या भूमिका है, विपक्ष में बैठा हूं, कौन सा मैं ही उठाता हूं, कौन से डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं, के साथ अभद्रता का मुद्दा, डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जहां तक संघर्ष आखिरी बार कब किया था, धरातल पर संघर्ष आखिरी बार कब किया था समाजवादी पार्टी ने, बता दीजिए। 75 जिलों में जी, हर जिले में बता दीजिए संघर्ष, आखिरी संघर्ष बता दीजिए, मुझे सब याद है, सुन लीजिए, सुना दीजिए। एक बार हम निकले थे सदन जाने के लिए पैदल जी, ये सरकार एक बार एक सुन लीजिए, दोबारा दूसरा सुन लीजिए, दीजिए उदाहरण सुन लीजिए, सुना दीजिए। हम सिर्फ सड़क से गए थे सदन जाने के लिए, पैदल उतरे थे, इस सरकार की लोक भवन से लेकर के नीचे तक की ना एसी खराब हो गई। अच्छा, और पूरी छावनी में बदल दिया उन्होंने, कार्यालय से लेकर घर। अच्छा, सुन लीजिए, ये उदाहरण मात्र है। और समाजवादी अगर कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में संघर्ष नहीं कर रहा होता ना, तो यकीन मानिए ये हिटलरवादी सामंतवादी व्यवस्था अभी तक सब पे हावी हो गई होती। अच्छा, आपके शब्दों में केवल धार नहीं होती, आपके शब्दों में केवल और केवल चाटुकारिता होती। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और आप जैसी मीडिया को कि आप लोगों की वजह से आज ये लोकतंत्र जीवित है और विपक्ष को मजबूती मिलने का काम आप लोगों ने किया है। विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाया, ठीक है विवेक श्रीवास्तव, नहीं ये आप कैसे कह सकते हैं विपक्ष भूमिका नहीं निभा पाया, सत्ता ने क्या भूमिका निभाई अपनी भाई, 100 दिन में मैं तो सत्ता को, मैं तो सत्ता को भी करके रहा हूं, 100 दिन में तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा, ये तो कह रहा विधायक आपके भी है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, मैं जवाब ही मांग रहा हूं आपसे। रामचरितमानस का पाठ कराएंगे, दुर्गा सप्तशती की मंगला आरती कराएंगे, कब करवाएंगे, सर्वधर्म समभाव सबका साथ सबका विकास, चल तो रहा है रोजा, चलिए रोजा इतना, बाकी मेहमान को लेता हूँ, ठीक है अगले टर्न पे आएंगे। विवेक श्रीवास्तव आपकी बात लेता हूँ बाद में, विवेक शर्मा जी
सब कुछ आपके सामने है, तमाम चीजों को देखते रहते, कुछ छिपा नहीं है। राजधानी लखनऊ के वरिष्ठ समाज सेवी में आपकी गिनती है, चर्चा में हमेशा बने रहते हैं, वो कुछ छिपा आपसे नहीं है। कैसे देखते हैं, क्या अगर जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है तो जिम्मेदारी विपक्ष की भी है? कहां ये बात गलत है, सही बात है, जिम्मेदारी दोनों की है बिल्कुल। और जो व्यवस्थाएं हैं उसकी बात क्यों नहीं हो रही है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है, ये भी अहम करिए। विवेक शर्मा, क्या जवाब है आपका? जी, उठाते हुए फिर दोबारा से आपने सामने बिठा दिया है जी। विवेक श्रीवास्तव जी सेकंड टाइम मेरे सामने फिर यहाँ पर हैं जी। एक बार मैं बात करना चाहता हूँ सर जी, कि जनहित के मुद्दे तो यहाँ पर कहीं है दिखाई नहीं दे रहे, केवल राजनीति चल रही है। बिल्कुल, आप ये बताइए हमें मूलभूत सुविधाएं कौन उपलब्ध कराएगा जी, हमने किसको किसको चुनकर सरकार में भेजा है जी, हमने भारतीय जनता पार्टी को भेजा है जी, हमने समाजवादी पार्टी को नहीं भेजा, हमने मैंडेट दिया, लोगों ने मैंडेट दिया लेकिन उनको सत्ता चलाने के लिए नहीं दिया। बिल्कुल, हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चलाने के लिए दिया था। आज आपको मालूम है लखनऊ नगर निगम नंबर वन का ताज पहनकर घूम रहा है जी, साफ सफाई में जी, और पूरे रोड को अगर आप देख लें, पूरे शहर की जो हालत है अगर उसको आप देख लीजिए तो कहीं पर भी आपको बिना कूड़े के बिना बदबू के आपको पूरी रोड नहीं मिलेगी, कहीं गलियां होंगी वो भी नहीं मिलेंगी जी। आज तो ये भी प्रॉब्लम है कि ये नगर निगम के पास डीजल देने के लिए लोगों को पैसा नहीं था, जो इनके कर्मी हैं जी, उनको डीजल नहीं दिया गया तो घरों से और फ्लैटों से कूड़ा नहीं उठाया गया जी, घरों में कूड़ा बज बजा रहा है जी, ये कौन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जी? ये समाजवादी पार्टी नहीं कराएगी, ये कांग्रेस नहीं कराएगी बिल्कुल, ये आप नहीं कराएगी जी, ना ही आप कराएंगे, ना मीडिया करा सकती है। ये जिम्मेदारी बनती है हमारी सरकार की जी, और सरकार क्या कर रही है, केवल और केवल लीपापोती जी। कहीं देखिए, कहीं कोई बड़ा अधिकारी किसी को गिफ्ट दे रहा है, कभी किसी को कुछ सम्मानित किया जा रहा है, कहे का सम्मानित सम्मान हो रहा है, क्या सम्मान चल रहा है? आपने देखा था केजीएमयू का प्रकरण हुआ था, केजीएमयू वाला आपने प्रकरण देखा होगा, वहां पर डॉक्टर की ड्रेस में वार्ड बॉय ने निजी जो अस्पताल है उसमें पेशेंटों को भेजने का काम कर रहा था, जिसमें एक पेशेंट की मृत्यु हो गई जी। आप बताइए, उसको मैंने मुद्दा बनाया, उसको ट्विटर पर ट्वीट किया जी। आप लोगों ने न्यूज चलाई, उसके बाद केवल संज्ञान लिया हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने और उसको वहां से हटा दिया जी, वहां से हटा दिया जी। उसकी नौकरी क्यों नहीं खत्म की, उसको जेल क्यों नहीं भिजवाया जी? कौन भिजवाएगा, हम भिजवाएंगे या आप भिजवाएंगे या समाजवादी पार्टी भिजवाएगी? क्या बात है। अभिभावकों की बात आती है, आपने बहुत अच्छी बात कही है, अभी दो बेटियों का एडमिशन करा कर आ रहा हूँ, झेल रहा हूँ, यहाँ के सारे अभिभावक रो रहे हैं, सब परेशान है कि जो भी निजी स्कूल हैं वो रेगुलर, चाहे वो आपके ये निजी विद्यालय जितने भी हैं, आपके कॉन्वेंट स्कूल हैं, ये लोग प्रकाशकों की महंगी किताबें, कोई ध्यान नहीं, शिक्षा का माफियाकरण हो गया यहाँ पर, शिक्षा का माफियाकरण कर दिए जी। 40 पेज की कॉपी 150 रुपए की जी, कौन लेगा, कौन सी जिम्मेदार है? समाजवादी पार्टी बंद कराएगी जी, जिसका अपना वजूद नहीं हो पा रहा है जी। हमने चुनकर भेजा है आपको, हमने भाजपा को भेजा है, इनके अधिकारी क्या कर रहे हैं जी? आप जाम की बात करिए, जाम में उग्र लखनऊ जाम में है, जब आपका मंडलायुक्त कार्यालय और डीएम कार्यालय के आस पड़ोस में पूरे में जाम लगा रहता है, उस शहर को क्या देखेंगे? रोज बैठकें करते हैं जी, रोज बैठकें होती हैं, क्या निर्णय निकलता है उसका जी, क्या निर्णय निकाला जाता है जी, ये कौन निकालेगा? हम निकालेंगे जी। भाई आप अधिकारी को चुनकर भेजे हैं, आप उसका तरीका निकालिए, कैसे हम लोगों को इस भीड़ से निकलना है, क्यों जाम लग रहा है, ये अतिक्रमण क्यों हो रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिए, कोई नहीं ध्यान देता। अरे भाई डीएम लगातार बैठक कर रहे हैं विवेक शर्मा जी, और बैठक की व्यवस्था ये है कि अभी एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था कि एक निजी स्कूल ने अपने आके इलेक्ट्रीशियन को बैठक में भेज दिया था, नोडल अफसर की जगह, सबके सामने आया था मामला जी। जिलाधिकारी महोदय हैं जी, तो एक जनहित की शिकायत करी थी तो वो मेरे से ही मांगने लगे थे कि आप अपना हाउस टैक्स बिल लेकर आइए, जबकि वो जनता की शिकायत थी जी, वो मेरे से ही मांगने लगे थे जी। तो अब ऐसे हमारे जिम्मेदार अधिकारी जिलाधिकारी महोदय होंगे जी, तो कैसे चलेगा? ये समझ में आ रहा है, ये दिखाई भी दे रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब दूसरी चीज आता हूँ, 15% जो कोरोना काल में फीस का वापसी होनी थी जी, सारे अभिभावकों को, किसको वापस किया गया? किसी को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा जी, वो 15% की छूट कहां चली थी? केवल आदेश होते हैं और केवल डिब्बे में बंद हो जाते हैं, बिल्कुल कागजों में ही केवल सीमित रहते हैं जी। ये आप ये बताएं कि लखनऊ स्मार्ट सिटी क्यों बनाई गई थी जी,
आपने देखा होगा, दो दिन से मैंने एक यूट्यूब चलाया है, आपने उसको आपने मीडिया पे चलाया था जी। महानगर पॉश एरिया है जी, वहां पर नीचे नाला जा रहा है रोड के नीचे, रोड धस गई थी, किसी जिम्मेदार को नहीं दिखा जी। जबकि वहां पर जोन तीन लगता है, नगर निगम का जोन तीन लगता है, लगातार उसको मैंने रेगुलर फोन किया है, सारे अभियंताओं को फोन किया, अधिकारियों को फोन किया, लेकिन कोई उठाने, मूलभूत सुविधाएं कौन उपलब्ध विवेक शर्मा जी, कौन कराएगा? बिल्कुल सही बात कही, पर एक बार मैं आपको जरूर याद दिलाऊंगा, एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, अगर सत्ता पक्ष यहाँ पर अनदेखी कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है, या अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, तो शायद विपक्ष को भी अपनी भूमिका को निर्वाह करना पड़ेगा आक्रामक रूप से। कहीं ना कहीं विपक्ष की जिम्मेदारी भी यहाँ पर है कि अगर सरकार की नींद नहीं खुल रही है तो इसको भी जगाना पड़ेगा जी। जी देखिए, हम जनता है जी, हम आम जनता है, हम अपनी समस्याएं जो हमारे सामने राजा बैठा होगा हम उसके पास जाकर बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो गद्दी पर ही नहीं है उससे हम क्या बोलेंगे भाई जी। बिल्कुल, वो तो अपना मुद्दे उठाए जी, वो क्यों नहीं उठाता, वो क्यों नहीं, वो भी जनता के ही नुमाइंदे हैं विकास विवेक भाई, वो भी जनता के नुमाइंदे, जनता के नहीं बनाया है उनको, अलग से नहीं आए हैं, मनोनीत नहीं हुए, जनता चुनी है जी। सर सर 350-400 रुपए का जो सिलेंडर आता था, आज की डेट में 1150 रुपए का है जी। मर रही है जनता, बिल्कुल महंगाई चरम पे पहुंच गई जी। आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने 7 लाख रुपए का आपका टैक्स का रिबेट कर दिया, 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स छूट है, आप 20 लाख कर दीजिए। चलिए ठीक है, जी बात ही नहीं कर रहे हैं जी, आप केवल अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपसे आपसे ये कहना चाहता हूँ, माननीय योगी जी की नीयत बहुत अच्छी है जी, माननीय योगी जी आदेश निर्देश देते हैं लेकिन इनके अधिकारी पलीता लगाते हैं, इनके अधिकारी कमरे से नहीं निकलते, केवल और केवल समाचार पत्रों में छपे रहने के लिए, बने रहने के लिए, केवल रोज निर्देश आदेश का यही प्रोपेगंडा चल रहा फिर देते हैं। चर्चा बने रहो, कुर्सी बचाए रहो, चर्चा बने रहो, कुर्सी बचाए रहो, ठीक है। आमिर साबरी, आमिर साबरी ठीक है ठीक है, विवेक शर्मा हो गया, विवेक शर्मा हो गया भाई, हो गया भाई भाई, आमिर साबरी, आमिर भाई कैसे देखते हैं? पुराने पत्रकार है, कोई चीज आपसे छिपी नहीं हो, शायद सबका संघर्ष सबकी मेहनत आपने देखी है, आप समाजवादी पार्टी को बेहतर तरीके जानते हैं और भाजपा को भी और लखनऊ को भी, कैसी स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने इस चर्चा में शामिल किया। पहले तो मैं धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं आपको और आपके चैनल को कि आप ज्वलंत मुद्दे हमेशा उठाते रहते हैं। धन्यवाद जी। हालांकि तमाम चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर ही डिबेट्स होती है, लेकिन आपका एक चैनल ऐसा है कि जो अक्सर व्यस्तता हम देखते हैं कि अहम मुद्दे उठाते हैं आप जी। देखिए अभी बहुत सारी बातें हमारे पैनलिस्ट में गई जिसमें विशेष बात ये थी सबका साथ सबका विकास वाली जी। गौरव जी ये सिर्फ एक छलावे वाला नारा जो सत्ता पार्टी की पक्ष की तरफ से दिया गया था जी, सिर्फ एक छलावा ही साबित हुआ, धोखा साबित हुआ। आप देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं, शिक्षा पे अभी इस टाइम शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा बात चले है, बिल्कुल भाई साहब हमारे सही कह रहे थे कि 100 रुपए की कॉपी 40 रुपए की कॉपी 250 रुपए मिल रही, 100 रुपए किताब 600 रुपए मिल रही है, ये स्थिति है। बिल्कुल करीब हफ्तों से दौड़ रहे हैं, हमारे बच्चे का खुद का एडमिशन नहीं हो पा रहा है जी। गौरव जी सच बात यह है कि शिक्षा की तो इतनी महंगी हो चुकी है कि सामान्य वर्ग नहीं पढ़ा सकता है, गरीब की तो आप छोड़ दीजिए, बहुत हाई फाई लोग जो है उनकी बात तो मैं नहीं करता, लेकिन जो सामान्य वर्ग शिक्षा कमीशन की जो स्थिति है कि कमीशन का मामला यह है कि स्कूल ही नहीं है जी। इसमें तमाम IAS अफसर शिक्षा विभाग सब इसमें सब फंसे है, और यही कारण है कि इतनी बनना है, ये छोटे छोटे जो स्कूल इंग्लिश मीडियम जो चल रहे हैं गलियों को चलियों में, इनकी किताबें एक तो इनका बड़ा मसला ये है कि जहाँ से ये लिखे वहीं से लीजिए। बिल्कुल, अब हद तो ये हो गई कि ड्रेस भी आपको वहीं से लेनी है, बिल्कुल लिख रहे हैं, अगर आपने सब लिख के देंगे, सब पर्चा आपको दिया जाएगा, ड्रेस मान्य नहीं है, पर्चा दिया जाएगा, पूरा बड़ा सवाल, पूरा नेक्सेज है भाई, पूरा नेक्सेज है, मतलब डिबेट खुले हम बोला, पूरा नेक्सेज है, लगाम कौन लगाएगा? सत्ता पक्ष की बात तो ये रही कि सत्ता पक्ष के खिलाफ लोगों ने उसके ऊपर मुकदमे कायम हो जा रहे हैं जी। और हेट स्पीच के मामले में राहुल गांधी की संसदीय चली आ रही है, आजम खान की विधायकी चली आ रही है जी। और सत्ता पक्ष वाले जो मुंह में सोना डाले बैठे वो किसी को हेट स्पीच दे नहीं रहे, जिसको चाह रहे उसको गालियां दे रहे हैं। गौरव जी ये सिर्फ विपक्ष की जुबान पे लगाम लगाने के लिए, विपक्ष के मुंह में ताला डालने के लिए इस तरीके की कानून का सहारा लिया जा रहा है, कानून का सहारा लिया जा रहा है, बल्कि कानून का अदालत का दुरुपयोग किया जा रहा है। सच ये गौरव जी, और जो आप जैसा कह रहे थे विपक्ष 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 के ऊपर आपका इतना मतलब जो वजन था या जो आपका टारगेट विपक्ष है, सही बात यह है कि विपक्ष बिल्कुल नपुंसक साबित हो रहा है। बड़ा बयान दिया है विशेष तौर से जी।
विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है, आप देखिए कोई समस्या है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, सिर्फ एक सारा समस्या रह गया है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के, अगर वो कानपुर सारा जाता है तो वहां भी देखने पहुंच जाते हैं। कितने अरे पशु प्रेमी है भाई, क्या दिक्कत है, खराब बात है, अरे पक्षी प्रेमी है, क्या बुराई है भाई? कि अब एक समस्या नहीं, नहीं बहुत पक्षी प्रेमी होना अलग चीज है, पक्षी प्रेमी तो मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया का कोई इंसान था, दुनिया का हर इंसान पक्षी प्रेमी है, चाहे वो चिड़ियों से प्रेम करे, चाहे वो घर की मुर्गियों से प्रेम करे, चाहे घर में पले कबूतरों से प्रेम करे, चाहे मोर से, सब तमाम इंसान पक्षी प्रेमी है। लेकिन ये अखिलेश यादव जी का हमारा पक्षी प्रेम कुछ स्पेशल है, ये आप समझ लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं रह गई है, सिर्फ समस्या सारस है और वो आरिफ है, बस उसी के पीछे लगे हुए हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं, धरातल पे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और शायद मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष भी यही चाहता है कि आप फालतू में उलझे रहिए, मूल मुद्दों की ओर बात न करिए। जैसे अभी आपने कहा गड्ढों की बात करी, गौरव जी आप मोटरसाइकिल लेके घूम जाइए पूरे शहर में, गड्ढों की स्थिति है। अभी आपने देखा होगा इन्वर्ट समिटी के नाम पर करोड़ों रुपए गमले रखे गए थे डिवाइडरों पे किनारे किनारे, और जैसे इन्वर्टर इन्वेस्टर समिटी खत्म हुई दूसरे दिन गमले रातों रात कहाँ चले गए, किसके यहाँ चले गए, किस अधिकारी के चले गए, कौन ले गया कुछ पता नहीं है। लोगों ने बताया बड़े अधिकारियों गाड़ियां आई थी डिग्गियों भर के ले गई, कितने अफसोस की बात है, जिस पर करोड़ रुपया खर्चा हुआ हो लखनऊ को संवारने का सजाने का, अब रात तो रात वैसे वैसे हो गया। अभी अरे फिर होगी, फिर आ जाएंगे भाई, मुझे अच्छी तरह आमिर भाई, मुझे अच्छी तरह समेट फिर होगी, फिर आ जाएंगे वहीं से, ठीक है जहाँ गए। सुन तो लीजिए, अभी आपको याद होगा 700 सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे कूड़ाघर, जरा गौरव जी आप मोटरसाइकिल से एक बार शहर का निरीक्षण कर लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी कितने सेल्फी पॉइंट बने हैं अब तक के शहर के अंदर। गौरव जी कितनी शर्मनाक बात है कि बड़ी बड़े बुलंद बांग दावे सरकार भाई, आपने यहाँ पर विपक्ष को नपुंसक बोल दिया, बड़ा बयान दे दिया, लेकिन सामाजिक तौर पर कुछ धरातल पे कुछ नहीं, जमीनी तौर पर कुछ नहीं है। विपक्ष का जहाँ तक रहा तो गौरव जी सही बात मैं फिर दोहरा दूं, विपक्ष एकदम नकारा नपुंसक साबित हो रहा है, इसमें भी कोई दोराई नहीं है। ठीक है आमिर भाई, नपुंसक का मतलब भी जरा बता दीजिए क्या होता है। अब विवेक भाई ये तो हम आपको ऑनलाइन तो नहीं बता पाएंगे, नहीं नहीं, अब आपने शब्द का इस्तेमाल किया है तो आपको मतलब तो बताना ही पड़ेगा जी। नहीं आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था, सुनिए, आपने दो बार जिन शब्दों का प्रयोग किया, जब अखिलेश जी विकास कार्य कर रहे थे तो आप ही लोगों ने अखिलेश जी की छवि को खराब करने का काम किया। अखिलेश जी से जुड़ी कोई खबर पत्रकार दिखाते थे, कभी किसी पत्रकार पे द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन आज के समय में कोई योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठा दे, कोई योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठा दे, आपकी कलम में ताकत है, आप योगी आदित्यनाथ पे एक आर्टिकल लिख के दिखा दीजिए। आमिर साबरी भाई मैं आपको चुनौती देता हूँ, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, सुन लीजिए मेरी बात आ जाए, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे कभी किसी पत्रकार की कलम को उन्होंने दबाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज पत्रकारों की स्थिति यह है कि आप लोग योगी आदित्यनाथ पे एक आर्टिकल लिख के दिखा दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी पे एक आर्टिकल लिख के दिखा दीजिए। आमिर साबरी भाई चुनौती देता हूं मैं आपको, आप लोग के अंदर सत्ता से सवाल करने की हिम्मत नहीं रह गई है, पत्रकारों ने अपनी कलम की धार को खत्म कर दिया, क्या बात करेंगे आप जैसे पत्रकार, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप खुद सोचिए आप लोग क्या परिपाटी खड़ी कर रहे हैं भाई। आप भांडों से मिले पत्रकारों से नहीं मिले, अच्छा कल भी दिखता था आज भी दिख रहा है, और आपको याद होगा अखिलेश यादव ने एनडीटीवी पत्रकार को बहुत बुरी तरह प्रेस कांड में, गौरव जी ने इतने मुद्दे उठाए, सुन लीजिए, गौरव जी ने पूर्ववर्ती में भी इतने मुद्दे उठाए समाजवादी सरकार में, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी सरकार ने प्राइम टीवी पे कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन आज वर्तमान की बात, आए दिन कहीं ना कहीं इनको भी खतरा रहता है, चैनल को खतरा रहता है, बताइए ना कितने चैनलों का नाम आप जानना चाहेंगे। देखिए ना उत्तर प्रदेश में ईडी तक पहुंच गई सच दिखाने को लेकर के, पत्रकारों की यह स्थिति है, सवाल पूछो तो हथकड़ी लगा देते हैं, ज्वलंत उदाहरण था अभी कानपुर में भी देख लीजिए यही हुआ, क्या बात करेंगे आप, ये तो अहंकार और हिटलर शाही है जो अभी चल रही है, पहले भी थी, कौन रोक रहा है हिटलर शाही को, आपके साथ मैंने कितनी डिबेट की है, आपके साथ कितनी बार विषय उठाया, विवेक जी मैं अखिलेश यादव का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, एनडीटीवी के पत्रकार को बुरी तरह भगाया गया, आप एक एनडीटीवी की बात देख लीजिए, आप एक एनडीटीवी की बात मत करिए, आप एक परिपाटी की बात करिए, एक परिपाटी की बात कीजिए, आप परिपाटी क्या लागू की सरकार ने, बोलिए एलेक्सा एलेक्सा और अमेज़न पे मन की बात सुनिए, मोदी के भाषण सुनिए, एलेक्सा अमेज़न पे व्यवस्था से कुछ बोल रहा है, एलेक्सा अमेज़न में नौकरी नहीं दिलवाएंगे, अच्छा विवेक पांडे समाजवादी पार्टी की सरकार में पत्रकार को जिंदा जलाया गया है, शर्म करिए, कानून व्यवस्था करेगा। आमिर साबरी जी विवेक से कुछ बोल रहे हैं, आप
समाजवादी पार्टी की सरकार में पत्रकार को जिंदा जलाया गया है। अच्छा, शर्म करिए, कहाँ पे बताइए ना, बता दीजिए, इनको याद नहीं आ रहा, सब कुछ मालूम है, जान के अनजान मत बनिए। मिड डे मील पे खबर दिखाने में पत्रकार को जेल, नकल बाफियाओं की खबर दिखाने में पत्रकार को जेल, गोद दिए गांव के सत्य को दिखाने में गांव पत्रकार को जेल। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकारों को जेल करेंगे भाई। अगर विपक्ष खबरें नहीं उठाएगा तो संघर्ष नहीं करेगा तो जिम्मेदारी हम लोग निभा लेंगे, इसलिए बैठे हुए। आमिर साबरी भाई, आमिर साबरी मैं कहता हूँ, अगर सत्ता पक्ष की आंखें नहीं खुलेंगी, अगर विपक्ष संघर्ष नहीं करेगा तो ये हम जैसी खबरन बीचों की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी निभाएंगे चाहे कुछ भी हो। खैर, यहाँ पर दिलीप यादव अपनी बात, बिल्कुल चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़े हम तैयार हैं। चलो ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे विवेक साहब कह रहे थे अभी कि हम लिख के दिखला दें, अरे इन्होंने मुझे इसका मतलब पढ़ा ही नहीं है, फिर जी। अगर ये पढ़ लेते तो शायद मेरे बारे में ऐसी बात, क्या बात, क्या बात, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो जो वर्तमान सरकार। आमिर भाई, आप भी समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों को जानते हैं, उसके बाद भी आप जो कर रहे हैं उस पे सवाल उठेगा, सवाल उठना लाजमी है। चलो ठीक है, आप विपक्ष को नपुंसक नहीं बोल सकते, बिल्कुल आप सरकार को नपुंसक बोलिए, उसके अधिकारियों को नपुंसक बोलिए, आपकी हिम्मत है तो बोलिए, जेल की बात है मुझे कतई डर, आपकी हिम्मत है तो बोलिए कि भाजपा तिरंगा ओढ़ के देश को लूट रही है और भगवा अडानी इनका सहयोगी है। अरे कहा तो उन्होंने सबका सबका विकास चलावा कर रहे हैं, बोला तो दोनों पे बोला, मैं कह रहा हूँ आप इसका मतलब ना मुझे सुनते हैं ना पढ़ते हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष पे भी कहा, आपको भी कहा, दोनों कहा जी, मैंने अडानी को भी कहा है जी, और मैंने रामनवमी जुलूस को भी कहा है कि सरकार के सरिया समाजवादी पार्टी की सरकार में तिरंगा ओढ़ करके देश को लूटने वाली भाजपा और भगवा ओढ़ करके अडानी इनका पार्टनर, और ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं अडानी को। अडानी पे बोलिए, अडानी पे बोलिए, पीएम केयर का हिसाब कब देंगे बताइए, पीएम केयर का हिसाब कौन देगा, किसी के बाप का पैसा नहीं है वो, पीएम केयर में किसी के बाप की कमाई नहीं है, इस देश की कमाई है, देश के टैक्स पेयर की कमाई है। चलो ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, दिलीप यादव बोल रहे हैं, पीएम केयर का हिसाब हो गया, हो गया, और मेहमान, पीएम केयर का हिसाब, और मेहमान भी है, पीएम केयर का हिसाब देना पड़ेगा, किसी के बाप की जागीर नहीं है पीएम केयर जी। बोलिए, ठीक है, दिलीप यादव जी, दिलीप यादव बोलेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार में पत्रकार विवेक जी, समाजवादी पार्टी पे बात करेंगे, आपके आपके अधिकारी, पुलिस के अधिकारी बलात्कार हुए बच्ची का सौदा कर रहे हैं 20 लाख में, और जांच के नाम पे खाना पूर्ति गोपनीयता से ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है जी जी। ठीक है, गौरव जी, मुझे याद है, मुझे याद है, ठीक है, दिलीप यादव बोल, गौरव जी जी, आपके उन्नाव के विधायक की वजह से दो पत्रकार भागे भागे फिर रहे भाई जी, क्योंकि उसने वहाँ के खनन माफिया की खबर चला दी थी, जाके पूछे गुप्ता जी से, पूछिए, खबर बुलाइए उनको, लोकभवन में बुलाइए, योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हूँ मैं, उन्नाव की खबर दिखाए, उन्नाव के दोनों पत्रकारों को खबर दिखाए, पत्रकार जगन सिंह को जिंदा जलाया, अरे उन्नाव के पत्रकार भागे भागे फिर रहे भाई, चले उन्नाव के पत्रकार, उन्नाव के दोनों नए पत्रकार भागे भागे फिर रहे हैं, चले ठीक है, आपके विधायक से, उनके माफिया दोस्तों से, हिस्ट्री शीटर से, चले हो गया, चाहेंगे बोलिए, कल भेज देता हूँ लोकभवन, दीजिए सुरक्षा की गारंटी, हिम्मत नहीं आपकी सरकार, ठीक है, ठीक है, दिलीप यादव बोले, दिलीप यादव बोलिए, गौरव जी कर पूरी बात कर जी। ये लोग जो है टीवी स्क्रीन पे जो है ज्ञापन दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ये ज्ञापन शायद जो है मुख्यमंत्री को हो या जो है जिसको भी हो, जिसको भी हो, इसका तो आय दिन एड्रेस से आप दे सकते हैं, गार्डन ज्ञापन ही देते रहते हैं, लगता है इसपे कार्रवाई नहीं होती है जी। और रही बात, एक चीज है, मैं शुरू में ही विवेक जी एक बात बोले की जो है मेडिकल कॉलेज की जो है फैसिलिटीज की बात, हम लोग जो है उस मुद्दे पे कई बार जो है जानते भी हैं, केजीएमयू में आप ही के चैनल से मैंने एक जो है प्रश्न उठाया था जी, और बीजेपी के जो है एक प्रवक्ता थे जो है केसी जैन साहब से पूछा था मैं कि ओपीजी जो है दंत चिकित्सा विश्वविद्यालय है केजीएमयू का जो है विभाग, उसमें जो है ओपीजी का जो है वो रील आया कि नहीं आया जी, आप ही के चैनल के माध्यम से उठाया था, तो आपने जो है फिर विवेक जी ने कहा कि जो है बड़ा अच्छा केजीएमयू में ये बन गया वो बन गया, तो मैं आपसे जो है विवेक जी एक चीज कहूंगा कि जो है इसको जरा सा पता करें चिकित्सा व्यवस्था में क्या स्थिति है केजीएमयू की। दूसरी बात की जो है राम मनोहर लोहिया जी इंस्टीट्यूट में जो है आयुर्विज्ञान संस्थान जो गोमती नगर में है, यहाँ का जो है सेकेंड प्राइम जो है इंस्टीट्यूट है जी, उसमें जो है 9 फरवरी को जो है आप इनका जो है जो नर्सिंग स्टाफ का है उसका जो है एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन पेपर हुआ था, ऑल ओवर इंडिया हुआ था जी, उसका पेपर लीक हो गया था, तो वो उसकी स्थिति क्या है
दूसरी बात शिक्षा में हम आएंगे तो शिक्षा में जो है मैं मेरे दो बच्चे जो है एलपीएस जो है गोमती नगर में पढ़ते हैं, एक टेंथ में एक ट्वेल्थ में जी। एलपीएस की जो है जो डायरी पिछले साल हमने जो है 100 रुपए की खरीदी थी जी, वो 150 रुपए हो गई जी। ये कैसा गठबंधन है सरकार और जो है शिक्षा के माफियाओं का, ये माफिया है अच्छा, स्कूल वाले जी। इनका क्या गठबंधन है कि इतना जो है परसेंटेज हाइक हो जाए और जो किताब जो है मुश्किल से 100 पेज की है इंग्लिश ग्रामर की जी, वो पब्लिकेशन जो है लखीमपुर खीरी का होता है और लखीमपुर खीरी वाले ही जो है उस पूरे एलपीएस को या और जगहों पे जो है उस किताब को वो करते हैं। उसका मूल्य है 666 रुपए, कल मैं खरीद के ले आया। अरे कोई अलग से विवेक नहीं, विवेक शर्मा जी भी जो है ये चीजें जो है सरकार का कमीशन होगा 66 रुपए स्कूल की किताब, मतलब 100 पेज की किताब जो है 666 रुपए में आ रहा है। सर, दो मिनट रोकूंगा आपको, आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगा। गौरव जी जी, एनसीईआरटी से मुगल चैप्टर तो गायब हो रहे हैं जी, है ना, लेकिन ये जो शिक्षा का जो किताबें हैं इस पर रेट कम नहीं किया जा सकता। नहीं, केवल धार्मिकता बढ़ाकर धार्मिकता फैलाकर 2024 का वोट बैंक और रोटी जी जी जी। विवेक जी, ये शिक्षा माफिया का जो कॉकस बना हुआ है, ये मैं ये नहीं कहता कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है, ये जो है सारे सरकार में जो है जितने में कांग्रेस हो बीजेपी हो या फिर सपा या बसपा सभी में हुआ है। लेकिन जिस विश्वास के साथ जनता ने आपको मैंडेट देके ले आया तो उस पे जो है इन्हीं सब चीजों से त्रस्त आके ही जो है कार्रवाई करने के लिए रोका गया, मतलब आपको दिया गया कि आप रोके, उसमें क्या हो रहा है। एक चीज और आपके माध्यम से मैं बताऊं कि पीएससी की जो है 2021 की भर्ती थी वो प्लाटून कमांडर की थी, जो ऑलरेडी जो है उसमें भर्ती कांस्टेबल थे वो जो है पास किए एग्जाम, इसके बाद प्लाटून कमांडर बनाए गए और उनकी स्थिति ये है 250-300 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट करने के एवज में 6.5 लाख रुपए 8 लाख रुपए दिए हैं और उनका जो है रिजिग्नेशन लिया गया है और इसके बाद जो है उनको प्लाटून कमांडर पे जो है उनको जो है ज्वाइन कराया गया है। तो कहने का मतलब यह है अगर जो है आपके अंदर जो है बहुत से कार्य अच्छे किए हैं, आप कहते हैं पुराने सरकार अच्छी नहीं थी तभी आप आए हैं, तो इन सब मुद्दों पे जो है स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा में स्वच्छता के मामले में गड्ढों के मामले में और जो है ये भर्तियों के मामले में भर्ती शिक्षक भर्ती में जो है 68,000 वाले शिक्षक में जो है बच्चे कहाँ क्यों नहीं हुए, ये रिजर्वेशन का मामला है, एक मिनट कम्प्लीट कर लें, ईडब्ल्यूएस का मामला है उसमें जो है सारे बच्चे जो है आपके आ जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी के रिजर्वेशन की कोई बात नहीं हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है विवेक जी, आपके पास जो है मैंडेट आया है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष कमजोर है, विपक्ष इसलिए कमजोर है क्योंकि उनके पास जो है वो जनसंख्या नहीं है, या विपक्ष अपनी बात जो है सड़कों पे रखता है, सड़कों पे रखता है या करता है तो उनकी आवाज को जो है ना सुना जाता है, दबा दिया जाता है। 2017 में थे भाई, नहीं 47 सीटें आएंगी, 47 सीटें आई थी, अभी बढ़ के आई है, लेकिन फिर भी जो है अगर जो है विपक्ष जो है मुद्दे को रखता है तो उसको सुनना चाहिए। आपका चैनल है, बहुत एप्रिसिएटिंग है कि आप जो है ऐसे मुद्दों को मैं तो उठाऊंगा, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो मुद्दों से भटकाते हैं, जितनी जरूरत जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार की है, आपकी भी है, विपक्ष की भी है। हो गया ठीक है। विवेक शर्मा, एक जिम्मेदार नो प्रॉफिट नो लॉस की एक संस्था है जी, लखनऊ विकास प्राधिकरण जी। अभी आपने देखा होगा 31 तारीख को एक आगजनी हुई थी अपार्टमेंट में जी, जिसको आज तक देखने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंच पाया, भूल गए होंगे, बिना फायर एनओसी के काम बहुत है, लखनऊ बड़ा है, रहने के लिए आश्वासन, जो आश्वासन उपाध्यक्ष हैं उनको लगातार बताया जा रहा है डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी को, लेकिन वो केवल आश्वासन के अलावा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 2018 से
बिना वायर एनओसी के। अरे जो सील नारे लगाने में व्यस्त होंगे, अरे वो सील खुल, जो सील लगा विवेक भैया वो नारे लगाने में व्यस्त होंगे, वो केवल सील लगाने में, जब सील खुलती है तो उसका नहीं बताते हैं? नहीं नहीं उसका नहीं बताएंगे, वो सील लगाते बस खोलने का नहीं बताएंगे। लेकिन मैं ये सर जनहित की बात करूंगा, ये अपार्टमेंट में जो लोग हम लोग रह रहे हैं अपनी सोच रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। जब ये लखनऊ विकास प्राधिकरण जो एक जिम्मेदार विभाग है लखनऊ का, वही उसके अधिकारी उसके अभियंता जब वो देखने नहीं आएंगे जिनके ऊपर जिम्मेदारी, उन्होंने आज तक नहीं देखा कि उसमें कोई भी नहीं ली। मैं एक चीज इंक्लूड कर दूं, जल्दी बोलिए कि आवास विकास का आपने एलडीए का बात कहा, आवास विकास में प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला है लखनऊ, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अवध बिहार योजना में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया, सारे पैसे दे दिए गए, जितने भी जिनका एलआरटी था दिया गया, और आज तक उनको जो है वो एलाट पजेशन नहीं मिला है। इसके अलावा लोग जो है भ्रष्टाचार करके जो है सेक्टर 10 में अलाट है तो उसको मेदांता के बगल जो है सेक्टर 3 और 7 में जो है करवा लिए, ये भ्रष्टाचार जो है, ये भ्रष्टाचार हो गया हो गया हो गया हो गया प्राधिकरण जितना है सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ठीक है ठीक है, विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे, जवाब आप ही को देना है, बोलिए। सब बहुत डर दे रहे जी। देखिए गौरव जी, किसी प्रकरण विशेष पे अगर किसी की कोई शिकायत है जी दर्ज कराए तो उसको लिखित रूप में दे सकते हैं, उस पर सरकार जांच करा के कार्रवाई। दर्ज कराई तो थी, अपार्टमेंट में आग लग गई, अधिकारी पहुंचे नहीं, अब कैसे दर्ज कराएं? अपनी लाशों को गिरा देंगे तब दर्ज कराएंगे क्या? देखिए अभी तो यजदान अपार्टमेंट में जांच चल रही है, उसके रिश्ते आपकी पार्टी से है, उस पर आप बात करेंगे नहीं? अच्छा आप बात करिए ना, सरकार आपकी है ना, देखिए आप अभी हमारे आप खा रहे हैं, रिश्वत आप ले रहे हैं जी। नहीं नहीं बिल्कुल जो आप कह रहे हैं पहले सुन लीजिए, अभी दिलीप भाई 5 करोड़ किसने खाए थे? अभी दिलीप भाई जांच हुई, नंदी की जांच हुई, इस्तीफा हुआ, 5 करोड़ खा गए। वो जवाब अगर लेना तो ले लीजिए, नहीं तो चिल्लाते रहिए फिर। बोले वैसे जवाब दीजिए, ये है स्थिति जी, विपक्ष चिल्लाता रहे जी, अगर कानों पे चूने लगेगी जी, जवाब खुद देंगे, लहजा देखिए, अभी दिलीप भाई ने जी, अभी दिलीप भाई ने विद्यालय में किताब के मूल्य का विषय उठाया जी, लखनऊ पब्लिक कल से नाम लिया उन्होंने एलपीएस का जी, एलपीएस के जो चेयरमैन हैं जी तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से एमएलसी रह चुके हैं। अच्छा। निश्चित तौर पे यही यही तो कह रहा, रोकने की बात, इसी से तो त्रस्त है, तो रोकिए, कौन बोल रहा है? समाजवादी पार्टी बीच में आ रही है क्या जी? क्योंकि मॉन्टेसरी स्कूल के कौन है उनके ऊपर क्यों नहीं, ये कौन सा तर्क है गौरव भाई जी, ये कौन सा तर्क है? मैं एक चीज और बता दूं, आपके ही पार्टी के जयबीर सिंह जी हैं एमएलसी, उनका स्कूल रानी लक्ष्मी बाई स्कूल है, मेमोरियल स्कूल जी भाई, मैं आपके जो है चैनल पे बोल रहा हूँ, उस पे क्या कार्रवाई हो रही, वहाँ भी कमोबेश यही स्थिति है जी। सारे शिक्षा के जो है जो भी विद्यालय है सब आपके भी है, रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल जी, जयबीर सिंह जी, दिलीप भाई वही चीज, आपकी आवाज नहीं आ रही, दिलीप भाई आपकी आवाज नहीं जा रही प्लीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक श्रीवास्तव आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक श्रीवास्तव, बेबी पांडे बोलिए। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ कि ये जो एक परंपरा भाजपा के अंदर है, इतने अनुभवहीन है क्या इनके विधायक सांसद? जब देखिए विपक्षी ऊपर, विपक्ष के मंत्री का स्कूल है, विपक्ष के मंत्री का कॉलेज है, आपके झक मारने बैठे हैं, आपके सांसद मंत्री जाकर के केवल रंगाई पुताई का काम कर रहे हैं, अगर अयोध्या में हमारी गलती है, अपने विभाग छोड़ करके अयोध्या के नाम पे केवल समय काट रहे हैं, ये हमारी गलती है भाई? काम आता तो काम करते ना, अपने विभागों को नहीं देख पा रहे हैं, अपने अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ केवल लोक भवन के एसी में बैठ के कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा। यूपीएसआई स्कैम की बात मैंने उठाई, उस पे जवाब आज तक न दिया, कितनी बार ये मुद्दा मैंने उठाया आज तक इन्होंने जवाब न दिया, क्यों? सरकार खुद उस पे भ्रष्टाचार में कार्यरत है, तो मैं तो सवाल उठाऊंगा, शिक्षा माफिया को रोकने की कवायद किसकी है? या तो आप बोलिए कि ये स्कूलों के मालिक हम पे हावी हैं, अच्छा, जो आप कार्रवाई नहीं कर रहे, बता तो रहा है कि आपकी पार्टी की समर्थक है भाई, यानी ये बोले, अच्छा, ये बात बोलिए कि वो हम पे हावी हैं, अच्छा, सरकार से ऊपर है, अच्छा, जयवीर सिंह के स्कूल पे कार्रवाई करें, चलिए ठीक है, इन्हीं के पार्टी, आमिर साहब ने कुछ बोला, आमिर साहब भाई कुछ बोल रहे थे आप, इनके विधायक सांसद जमीन कब्जा कर रहे हैं, ये बुलडोजर चलवा रहे हैं दूसरों की बात, आमिर साहब मैं उदाहरण प्रस्तुत कर दूंगा, आमिर भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। देखिए जिस विद्यालय का विषय दिलीप जी उठा रहे थे जी, जी। उस विद्यालय के चेयरमैन समाजवादी पार्टी की मदद से एमएलसी रह चुके हैं जी, जी।
अभी उनका नाम लूंगा तो हमारे विवेक पांडे जी को दर्द होगा। अरे क्यों अच्छा। होगा, मैं तो बोल रहा हूँ जेल भेजिए उनको। अनियमितता देखिए, अनियमितता मिले तो कार्रवाई कीजिए विवेक जी, अनियमितता मिले तो कार्रवाई कीजिए विवेक जी। लेकिन अपने भी सांसद जेल भेजिए उनको, जेल भेजिए। बार 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 समय कम, आखिरी आखिरी मिनट बाकी है भाई वाले भी, दिलीप भाई आखिरी मिनट बाकी, प्लीज बोलिए जय वीर जी को भाई, उनके जवाब देने वाले को भाई, किसका है विवेक भैया? जवाब जवाब देखिए जी, देखिए मैं दिलीप जी की पीड़ा से सहमत हूँ कि प्राइवेट इंजीनियरिंग, प्राइवेट जो कॉलेजेस है सबकी हालत यही है, सबकी हालत यही है, उसमें मैनेजमेंट में सारे मैनेजमेंटों की कमोबेश हालत यही है जी, बिल्कुल। अभिभावकों को लूटा जा रहा है, बिल्कुल लूटा जा रहा है। अभी हम जब कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे सबसे ज्यादा पेट में दर्द समाजवादी पार्टी का होता है, समाजवादी पार्टी का डर है। ये कौन सा तर्क है भाई, ये कौन सा तर्क है, ये कौन सा तर्क है विधायक सबके का, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे गौरव भाई कि समाजवादी पार्टी को दर्द होगा। देखिए मैं, अरे भाई जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, मेरा स्पष्ट मत है गौरव जी, प्राइवेट कॉलेजेस और जितने ही कमोबेश प्राइवेट हॉस्पिटल्स है अच्छा, सब में आम आदमी लूटा जाता है अच्छा, इनके ऊपर एक समग्र रूप से कार्रवाई की आवश्यकता है अच्छा, सरकार इसका मन बनाए, इसके लिए आवश्यक विपक्ष को भी साथ में आके खड़े होना अच्छा। चाहिए 2020 और हमारे साथ खड़े हो, ये इतना बड़ा ताकत है, सुन लीजिए भाई, बोल लीजिए सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट, ये गंभीरता से जवाब देना नहीं चाहते, ये राजनीतिक लाइन से इतना नहीं जाना चाहते हैं, ये इतना बड़ा काकस है विवेक जी, गौरव जी, कि इस पे जब तक मजबूती से सरकारों के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी भी राजनीतिक दल के संरक्षण के आड़ में ये लोग बचते रहेंगे, इसी तरह आम आदमी लुटता रहेगा, समग्र रूप से इनके ऊपर कार्रवाई की आवश्यकता है जी। रिश्ता क्या कहलाता है भाजपा का बताइए, कितने चंदे लेते हैं 2020 की उत्तर प्रदेश शिक्षा नीति में, गुपचुप तरीके से हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, प्राथमिक विद्यालय प्राइवेट विद्यालय गोद लेंगे, बताइए ना हो गया, किसको लाभ दे रहे हैं, शिक्षा माफियाओं को पोषित कर रहे हैं, क्यों हो गया भाई, चले हो गया, खुद पढ़े नहीं आदो का परिवार, मेरा डिबेट का समय हो गया, पढ़े नहीं आदो का परिवार, चलिए ठीक है, आप सभी कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद, ठीक है, हो गया भाई, हो गया, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर था, मुद्दा था यहाँ पर जनता के मुद्दों का, क्योंकि यहाँ पर अगर राजनीतिक दल जनता की बात नहीं करेंगे तो हम लोग इस बात को जरूर उठाएंगे, क्योंकि जनता का जनाधार अगर आपको कुर्सी पर बैठाता है, किसी को विपक्ष पर बैठाता है, तो शायद ये हम लोग की भी नैतिक जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते कि जनता के मुद्दों की अगर अनदेखी होगी तो हम इसको इस चीज़ को उठाएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, आवास, शौचालय, माफियाकरण, तमाम ऐसी व्यवस्था है जिसको लेकर अब हमको संजीदगी से सोचना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो जनता है वही अभिभावक भी है और वही नौकरी पेशा लोग भी हैं और वही उस रोड पर भी चलती है और वही शौचालय का उपयोग भी करती है, उसी जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी होती हैं, कोई जनता अलग से नहीं आती, जनता की जो सुविधाएँ होती हैं वो उनको समय से मिलना चाहिए, जनता आपको जनाधार देती है, आप कुर्सी पर बैठाती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जनता के लिए काम करें, केवल बातों से बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला है, जनता के लिए काम करते रहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मुद्दे हैं वो मुद्दे उठाने चाहिए, और अगर सत्ता पक्ष उन मुद्दों की अनदेखी कर रहा है तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी भूमिका है कि मुद्दों को उठाएं, संघर्ष करें सड़क पर, केवल डिबेट के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से संघर्ष अगर होता है तो उसका कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि अगर विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि संघर्ष की रही है और फिलहाल वो संघर्ष अगर नजर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलाव करना होगा, विकल्प ढूंढना होगा और चर्चा के साथ साथ संघर्ष की एक पटकथा भी लिखनी होगी, तभी बदलाव होगा, तभी तस्वीर बदलेगी व्यवस्थाओं की, जनता की और हमारे देश की। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।